जैसा कि देख रहे हैं इस समय मिट्ठू जो है बोड़ा खा रहे हैं, बीन्स इसको बोलते हैं जो भी कहते हैं, मगर भाई हम तो यूपी के हैं, हिंदी बोलेंगे। ये बीन्स खा रहे हैं मिट्ठू मियाँ, तो अभी इनकी पूंछ भीगी हुई है, ये अभी नहाए नहीं है, अरे सॉरी ये नहा चुके हैं और इसलिए इनकी पूंछ भीगी हुई है, इसलिए इनके पखने थोड़ा चिमुर उमुर गए हैं, तो अभी बहुत जल्दी ये फ्रेश हो जाएंगे। तो जो लोग यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिट्ठू को हमेशा घर में रखें, खुला रखें, और बिल्ली कुत्ता बिच्छू से सावधान रखें, क्योंकि सबसे बड़ा इनका दुश्मन बिच्छू ही है, क्योंकि बिच्छू हर जहाँ चढ़ जाता है, दरवाज़ा पकड़ के साइड से भी चढ़ जाता है, खिड़की के बगल से भी चढ़ जाएगा। इसलिए आप जहाँ मिट्ठू को टांगें तो ऐसे दीवार ना रहे, अगर ये दीवार है तो ये दीवार पे ऐसे पकड़ के ये सब चढ़ जाते हैं, अगर यहीं पर अगर ये है तो यहाँ से ये पकड़ेगा, ये बिच्छू चढ़ के चला जाएगा। और बिल्ली भी चढ़ जाती है, मगर बिल्ली हर जगह नहीं जा पाती, मगर बिच्छू हर जगह चला जाता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें और मिट्ठुओं को जो है कि हमेशा खाना पीना इनको समय पे देते रहें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सदस्य खाना पीना दे, एक ही सदस्य इस तोता को नहवाए, सभी लोग जो है कि इनका केयर करें, ख्याल रखें। जब लाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसका ख्याल रखें, कोई और ख्याल ही ना रखे। वैसे पंछी रहना घर में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए कि ये सब जो होते हैं, कोई घर में परेशानी समस्या दिक्कत आती है तो ये इनकी छठी इंद्री होती है। हाथी हैं, बहुत जानवर हैं, तो इन्हें पहले मालूम हो जाता है। अगर भूकंप आना हुआ या कोई और ऐसी परेशानी दिक्कत हो जाती है तो ये सब चिल्लाने बोलने लगते हैं, तो लोग समझते नहीं। और ये भी फायदा होता है कि ये जब घर में रहते हैं तो बहुत से घर में चोर चाई आते हैं तो भी ये, या कोई बाहरी आता है तो भी ये बोलते हैं, आवाज़ देते हैं, तो जिससे लोग सतर्क भी हो जाते हैं। ये बहुत काम के होते हैं। राजा महाराजा के ज़माने में ये चिट्ठी खबर को पहुँचाते थे और भी बहुत ये दुलारे राजा महाराजा के होते थे। राजा महाराजा के ज़माने में तोता पाला जाता है, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक दे रघुवीर। तुलसीदास जब रामायण लिख रहे थे तब भी मिट्ठू पेड़ पे बैठ के बोल रहा था। तो बहुत बहुत सी ऐसी हैं धार्मिक चीज़ें, इनका बहुत ज़माने से इंसानों से रिश्ता है। एक यही हैं जो इंसानों की तरह बोल सकते हैं, और बाकी कोई पंछी इंसान की तरह नहीं बोल पाता। लोग मैना को कहते हैं, मगर हमने मैना को आज तक देखा नहीं है कभी इंसान की तरह बोलते हुए। सोचिए इतने खूबसूरत खूबसूरत पंछी हैं दुनिया में, एक से एक रंग बिरंगे हैं। अपने भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर है, कितने उसके रंग हैं, कितने चमकीले हैं, और नाचता है तो ऐसा लगता है कि कोई हीरो हीरोइन नाचने लगा है, डांस करने लगा है, बहुत अच्छा लगता है। मगर सबकी अपने में एक खासियत होती है, इनका हरा रंग है और भी रंग होता है अपने इंडिया के तोता का। तो ये जो है अपने इंसान की बोली से ज़्यादा इनकी पहचान है, ये इंसान की तरह बोल सकते हैं और बाकी कोई नहीं बोल सकता, बल्कि यहाँ तक बंदर तक नहीं बोल सकता। तो ये बात है, आप देख सकते हैं ये हाथ पे आके बैठ गए हैं, इनका जो है कि रहने का मन नहीं है अलमारी में। ये मोतियों में चटका रहे हैं, रक्षाबंधन को तोड़ रहे हैं, इन्हें खाना नहीं चाहिए। अब इन्हें कौन समझाए, अब इन्हें हम उतारेंगे और उतारने के बाद हम जो है जाएंगे नीचे। ये सोच रहे हैं कुछ खाने वाला चीज़ है, मगर अगर इन्हें कैसे समझाएं हम कि खाने वाला चीज़ है। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।